भारत देश में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनको सर्व करने वाली कंपनियां कितनी? उंगलियों पे। मेल के हजारों ब्रांड है, फीमेल के लाखों ब्रांड है, लेकिन बच्चों के लिए ब्रांड कितने हैं? उंगलियों पे भी नहीं है। अब इस बात पे एक मारवाड़ी की नजर पड़ी, और जब मारवाड़ी की नजर पड़ी तो उसने कर दी 12 साल में 22,000 करोड़ की कंपनी खड़ी, और बंदे का नाम सुपम महेश्वरी। बोलो वाह। कंपनी का नाम है फर्स्ट क्राई। इसके 100 से ज्यादा शहरों में 400 से ज्यादा आउटलेट इस समय मौजूद हैं। 6,000 से ज्यादा ब्रांड के 2,00,000 से ज्यादा बेबी आइटम ये बेचता है। ये सुपम महेश्वरी बंदा इतना खास है, जहां बड़े बड़े स्टार्टअप की जिंदगी एक यूनिकॉर्न बनाने में निकल जाती है, इन्होंने पिछले 12 साल में 3 यूनिकॉर्न बना दिए। यूनिकॉर्न क्या होता है? वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन 8,300 करोड़ से ज्यादा हो। ऐसी 3 कंपनी 12 साल में बना दी भाई साहब ने। दो पे तो आज बात करेंगे। तो आज की केस स्टडी में सीखेंगे क्या कि नया आइडिया ढूंढते कैसे, फिर नए आइडिया के मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, फिर मार्केटिंग कैसे की जाती है, एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, कस्टमर जोड़े कैसे जाते हैं, मार्जिन कैसे बढ़ाया जाता है, और आपको मैं बताऊंगा टोटल 7 स्ट्रेटजी। और 7वीं स्ट्रेटजी तो आजकल टाटा अंबानी तक फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार इतना है कि चैनल पे पिछले महीने में आए 40 मिलियन व्यू, बट सब्सक्राइबर कितने हैं? मात्र 2 मिलियन। ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? बहुत नाइंसाफी है। मैं आपके लिए कंटेंट रिसर्च करने में तन मन धन सब लगा रहा हूं, और आपसे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन नहीं दब रहा। जल्दी दबाओ, फिर चलेंगे आगे। दबा दिया, चलो एक मिनट और ले लो। दबा दिया, अब आगे चलते हैं। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। बिजनेस के इतिहास में ऐसी कई कंपनियां, ऐसे कई प्रोडक्ट है जो ओनर ने बनाए थे खुद के लिए और खुद की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और वो बाद में सबके लिए कॉमन हुए, जैसे ज़िरोधा, जैसे एडिडास, और ऐसे बहुत सारे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना कौन कौन से। तो अपनी आज की कहानी भी वहीं से चालू होती है। सुपम महेश्वरी जी जब पिता बने तो उनके बच्चे के लिए उन्होंने कहा कि यार मुझे बच्चों के लिए प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन देखने गए तो भैया प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रहे। अब वो तो बिजनेसमैन थे, यूएस यूरोप जाते रहते थे, उन्होंने तो वहां से प्रोडक्ट लाके अपना काम कर लिया। लेकिन सुपम जी ने सोचा कि भैया ऐसा है कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई है तो मेरे जैसे कई पेरेंट्स के साथ आती होगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज की जाएगा। रिसर्च करके उन्होंने कहा, देखो नॉर्मली जब रिसर्च की जाती है तो देखते हैं कि यार जिस प्रोडक्ट और सर्विस की हम बात कर रहे हैं, लॉन्च करने का सोच रहे हैं, वो पहले से अवेलेबल है कि नहीं। तो उसको 3 जगह देखा जाता है। तो एक उन्होंने देखा कॉमन प्लेटफॉर्म पे, भाई उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अमेज़न पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, बेबी प्रोडक्ट मिलते कि नहीं मिलते। तो बोले यार यहां पे करोड़ों कैटेगरी है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन बच्चों का ढूंढने में डिस्कवरी में बहुत दिक्कत आ गई। और जब दूसरा जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा लग रही थी, प्लस कुछ चीज जो चाहते थे वो वहां पे मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा यार ऑनलाइन में अमेज़न फ्लिपकार्ट पे तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके देखते हैं, जो छोटी मोटी दुकान है, तो दुकानों पे आधे से ज्यादा दुकानें छोटी छोटी सी, वहां प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं, अवेलेबिलिटी है तो वहां क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है तो रेट फिक्स नहीं है, शक्ल देख के तिलक लगाया जा रहा है। तो सुपम महेश्वरी जी ने गैप देखा कि भैया देखो ऑर्गेनाइज प्लेयर जो अमेज़न फ्लिपकार्ट उसके पास कुछ है नहीं स्पेशल, कुछ है नहीं। अनऑर्गेनाइज प्लेयर में जहां है वहां प्रॉब्लम इतनी सारी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा ये गैप मैं फिल कर देता हूं, और उन्होंने 2010 में फर्स्ट क्राई की शुरुआत की। लेसन नंबर 1, आपकी प्रॉब्लम ही आपका बिजनेस आइडिया बन सकता है, ये हमेशा याद रखना। जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हो सकता है वो बिजनेस का आइडिया हो, उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो। दूसरी चीज, मार्केट रिसर्च के लिए क्या काम करना है, सबसे पहले ई कॉमर्स के ऐसे बड़े प्लेयर पे जाके देखो उस प्रोडक्ट की क्या स्थिति है, दूसरा देखो उसके लिए कोई नीश है क्या, और तीसरा जो बाजार में एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसमें कमियां ढूंढो। अगर तुम्हें लगता है एग्जिस्टिंग ऑप्शन में कुछ कमियां है और इसके लिए स्पेशलाइज कुछ है नहीं और ऊपर वाले भी कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें भैया तुम्हारा नया एरिया मिल गया, कहां पे काम करना है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कहां से। 2010 में चालू किया, उन्होंने कहा सारे प्रोडक्ट में एक साथ नहीं कूदते, सिर्फ खिलौने बेचने पे ध्यान दिया और सिर्फ मेट्रो सिटी और स्पेसिफिकली पुणे पे काम किया, और धीरे धीरे अपने यार दोस्तों और आसपास के लोगों में इस मॉडल को टेस्ट किया कि अरे ऑनलाइन ई कॉमर्स चीज चल रही है कि नहीं चल रही। तो धीरे धीरे चली, अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। सुपर महेश्वरी नाम में ही छुपा हुआ है मारवाड़ी, तो ये कहते हैं बड़े फ्रूगल माइंड सेट के साथ चांद चढ़ने वाले आदमी है। फ्रूगल का मतलब कंजूसी नहीं, पैसे खर्च करेंगे, देख दाख के खर्च करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा वाई फेल फास्ट, जल्दी करके फेल क्यों होना है, धीरे धीरे सक्सेसफुल भी तो हो सकते हैं, तो जल्दीबाजी करनी नहीं, धीरे धीरे हौले हौले चलेंगे। तो पहले एक छोटे से स्टोर से शुरुआत की, फिर उन्होंने कहा क्या हो सकता है कम पैसे में या कम एफर्ट में क्या चीज निकल के आ सकती है। तो उन्होंने कहा एग्रीगेटर मॉडल बन सकते हैं अपन, अपनी फर्स्ट क्राई वेबसाइट ऐसी बना सकते हैं जिसपे हम तो प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं, हम बाकी रिटेलर्स को कहेंगे आ जाओ तुम भी अपने अपने बेचो, तो ये विन विन सिचुएशन है। जो ग्राहक आएगा मेरी वेबसाइट पे उसको ऑप्शन ज्यादा दिखेंगे, ब्रांड ज्यादा दिखेंगे, तो भैया वो उसका साइट पे रुकेगा ज्यादा, फिर जो मेरे वेंडर्स हैं उनको बेचने में एक सहूलियत मिल जाएगी,
जाएगी तो मेरा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म वर्क करेगा। और ऐसे करके इन्होंने बाकी सबको अलाउ किया और अलाउ करते करते आज की डेट में इनके पास 6000 से ज्यादा ब्रांड है और 2,00,000 से ज्यादा SKU आइटम ये फर्स्ट क्राई के ऑनलाइन वेबसाइट पे बेचते हैं। जो चीज शुरुआत हुई थी खिलौने से, आज वहाँ पे सब है। मतलब वहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, दूध पीने की बोतल भी मिलेगी, डायपर भी मिलेगा और बेबी केयर स्किन प्रोडक्ट भी मिलेंगे, वहाँ सब मिलेगा भाई। लेसन नंबर 3, एक्सपेंड योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जब तुम्हें पता है कि एक ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आ रहा है और वो तुमसे दो चीज ले रहा है और बाकी दो चीज लेने दूसरी दुकान पे जाएगा, और अगर वो दो चीज तुमसे रिलेटेड है तो भैया बेचो ना यार। इन्होंने कहा ये बच्चों के माता पिता हैं, खिलौने लेने तो आई हैं, तो ये डायपर भी शायद लेंगे तो मैं ही बेच देता हूं, ये कपड़े भी शायद लेंगे मैं ही बेच देता हूं, ये जूते भी शायद लेंगे मैं ही बेच देता हूं। तुम्हारी एक्सपर्टीज हो उसमें, कस्टमर जो आ रहा है वो तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो चीजें ले सकता है सब बेचो, स्पेशलिस्ट बनो, तुम्हारी सेल भी बढ़ेगी। एक ग्राहक से तुम्हारा रिलेशन है तो उसको 500 रुपए में क्यों भुनाना जब 5,000 में भी भुना सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया कंपटीशन से कैसे लड़े। तो इन्होंने कहा पहले पता तो लगा कंपटीशन कौन है, तो इन्होंने कहा अमेज़न फ्लिपकार्ट तो है ही नहीं क्योंकि वो इस पे ज्यादा डील नहीं करते, ऑर्गेनाइज प्लेयर कोई है ही नहीं क्योंकि मैं तो इकलौता प्लेटफॉर्म हूं, असली कंपटीशन कौन है, अनऑर्गेनाइज मार्केट। ये जो छोटी छोटी दुकानें इधर उधर बच्चों की खुली हुई है ना, ये इनका मुख्य कंपटीशन थे। और बोले यार इनसे लड़ नहीं सकते, इनसे क्यों नहीं लड़ सकते, अपने कस्टमर को समझो। इंडिया इज अ टच एंड फील मार्केट, बात हो रही है 2010 की, 2023 में फिर भी लोग इवॉल्व है। 2010 में आदमी कहता है ऐसे कैसे ले ले भाई, ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम तो हाथ लगा के लेंगे, हम तो देख के लेंगे, हम तो ट्राई करेंगे, तो ये वाली सुविधा ये दे नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑनलाइन थे। फिर दूसरा ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, यहाँ पे ग्राहक बार बार जाता था तो इनका रिलेशन बन गया, और भाभी जी भाभी जी भाभी जी, तो इन्होंने कहा यार ये तो ट्रस्ट का ट्रस्ट बना हुआ है, ट्राई का ट्राई हो जाता है, ऑनलाइन इसलिए लोग आ नहीं रहे, क्या करें। तो इन्होंने किया बिजनेस मॉडल में एक इनोवेशन, और वो इनोवेशन ऐसा किया कि आज भी बड़े बड़े ब्रांड उसको कॉपी करते हैं। वो इनोवेशन किया इन्होंने O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, मतलब इन्होंने ऑफलाइन स्टोर भी खुद का खोल दिया। इन्होंने कहा देखो ऑनलाइन मेरे ट्रैफिक आता है, लोग वेबसाइट पे देखते हैं, मैं वेबसाइट पे उनको कहता हूँ सुनो तुमको यह खरीदने से पहले ट्राई करना है ना, मेरा दुकान भी है वहां जाके देख भी लो। और उस दुकान को उसी तरह से डिजाइन किया जिस तरह से वेबसाइट उन्होंने देखी कि मेरे वेबसाइट पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, किसमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी तरह से पूरी दुकान को डिजाइन किया, ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट पहले, ज्यादा मार्जिन वाले पहले, और उस तरह से पूरे स्टोर को डिजाइन किया। अब कस्टमर को तो मजे आ गए, कस्टमर ऑनलाइन भी ले सकता है ऑफलाइन भी ले सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। और इस मॉडल को करते करते आज की रेट में इनके 400 से ज्यादा स्टोर्स हैं। अब आप बोलोगे राहुल जी पैसा भी तो लगा होगा, ऐसे कैसे 400 स्टोर खोलते हैं, तो बड़े बड़ा है। अरे रुको जरा, पैसा नहीं लगता कैसे करते हैं, अरे इसे फ्रेंचाइजी। इन्होंने कहा भैया रियल स्टेट में पैसा लगाऊं, इंटीरियर में पैसा लगाऊं, कौन लगाए पैसा, इसने कहा भैया मैं दूंगा फ्रेंचाइजी। अच्छा ऐसा नहीं कि खुद के स्टोर नहीं है, शुरुआत में खुद के स्टोर भी खोले और किसी भी शहर में टेस्टिंग के लिए एक स्टोर खुद का खोलते हैं ताकि एक्सपीरियंस ले और बाद में फ्रेंचाइजियां बांटते हैं। तो इन्होंने खुद के स्टोर भी खोले पर ज्यादा एक्सपेंशन किया फ्रेंचाइजी के माध्यम से। फ्रेंचाइजी में इन्होंने कहा देख जगह मेरे को देनी नहीं, इंटीरियर मुझे करना नहीं, मुझे तो माल बेचना है, माल बेच देंगे। अच्छा जो फ्रेंचाइजी लेता है वो कहता है टेंशन नहीं, माल ये दे ही रहा है और ग्राहक भी ये दे ही रहा है क्योंकि फर्स्ट क्राई की वेबसाइट पे इतने लोग हैं तो मेरे ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे, तो उसको ग्राहक की टेंशन नहीं, माल की टेंशन नहीं, तो फ्रेंचाइजी देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। लेसन नंबर 4, डोंट बी रिजिड कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, जी हम तो ऑनलाइन ही है, जी हम नहीं बेचते ऑफलाइन। तुम्हारे ग्राहक को देखो, तुम्हारे ग्राहक का जैसा बिहेवियर है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो, नेता मत बनो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अब एक मेरा जो लेसन था ना उसको रिपीट करूंगा यहाँ पे। इनकी एक प्रॉब्लम थी ऑनलाइन बिजनेस में लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब कि भैया ये जब माल आप ऑनलाइन इनसे खरीदोगे तो देने कौन आएगा, देने कोई ना कोई लॉजिस्टिक कंपनी आएगी। अब जब लॉजिस्टिक कंपनी दूसरी थर्ड पार्टी है तो इसका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने कहा 2 दिन में माल आएगा, वो माल 4 दिन में पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा माल सेफ आएगा, उधर माल टूट फूट हो गया। तो इन्होंने कहा यार कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, क्या करें। तो इन्होंने कहा एक काम करो, बाहर से नहीं बैटरी हम खुद ही कर लेते हैं। तो इन्होंने खुद की एक कंपनी डाली लॉजिस्टिक एक्सप्रेस बीज नाम से। तो ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट तो डिलीवर करने ही लगी, इसके साथ साथ बाकी की कंपनियों की भी प्रोडक्ट डिलीवर करने लगी। तो उस चक्कर में ये कंपनी भी यूनिकॉर्न बन गई। बिजनेस लेसन नंबर 5, ये पहले का कॉपी है, योर प्रॉब्लम इज योर बिजनेस आइडिया। सोचो लॉजिस्टिक मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने उसी को बिजनेस बना दिया, यूनिकॉर्न बन गया। अब आती है बात मार्केटिंग पे, मार्केट कैसे किया। आप समझो हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक तरीका होता है खरीदने का। बेबी केयर प्रोडक्ट जो होते हैं वो गाइडेड बाइंग होती है। गाइडेड बाइंग का मतलब कि भैया आदमी ऐसे नहीं लेता रस्ते चलते उठा लिया, वो देखता है कि यार ये लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेंगे तो इसको काम में कैसे लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स की कम्युनिटियां बनाई। जैसे इनका हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन्होंने सबने अपने चैनल बना रखे हैं, पेजेस बना रखे हैं, वो रेगुलर बेसिस पे लॉन्च करते हैं ये नया प्रोडक्ट है, ये इस चीज में काम आता है, इसको ऐसे काम में लेना है,
इसके ये फायदे हैं, पेरेंट्स आपस में शेयर करते हैं, आपस में टिप्स शेयर करते हैं, बेबीज में क्या होना चाहिए, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या चीजें, इन पे सब चीजों पे फीडबैक शेयरिंग होती है, पूरा लूप बनता है। तो इस चक्कर में एक थीम है कंटेंट ड्राइव कॉमर्स। जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हो कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, आदमी वही देखता है, वही सुनता है, तो धीरे धीरे वो उसी प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी पेरेंटिंग की कम्युनिटी बना रखी है जो आपस में शेयर करते हैं, आपस में बेनिफिट भी लेते हैं और इनडायरेक्टली फर्स्ट क्राई की सेल बढ़ती है। इसके एक और एग्जांपल वैसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, दो एग्जांपल मैं शेयर करता हूं, बाकी आप मुझे चैट बॉक्स में बताना। दो कंपनियां जो पिछले 2-3 साल में इसी मेथड से उड़ गई, शुगर और नायका। शुगर ने अपना पेज बनाया, उस पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, रोज बताती है मस्कारा ऐसे लगाओ, लिपस्टिक ऐसे लगाओ, उसको देख देख के लोग सीख रहे और भी खरीद खरीद के ला रहे। एक और जबरदस्त स्ट्रेटजी जो फॉलो करते हैं वो है फर्स्ट क्राई बॉक्स। ये क्या होता साहब, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल से टाइप किया। ये कहते हैं जैसे ही नया बेबी डिलीवर होता है उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट देते हैं, हॉस्पिटल वाले से टाइप है, तो जैसे पेरेंट्स के बच्चा हुआ तो उनको फर्स्ट क्राई बॉक्स दिया जाता है जी। तो उस फर्स्ट क्राई बॉक्स में क्या है, सारे आइटम है कि बेबी के जो यूज आएंगे, भी एक डायपर का पैकेट डाल दिया, एक ऑयल का डाल दिया, एक क्रीम का डाल दिया, 2-4 चीजें और काम में आने वाली डाल दी, तो भैया पेरेंट्स खुश होता है, बहुत बढ़िया चीज है। और इनकी ब्रांडिंग हो जाती है कि ये कहां से आया, फर्स्ट क्राई से आया। फर्स्ट क्राई क्या है, बोले बच्चों की सारी चीजें मिलती है, एक बार ट्राई करो, कुछ कूपन उपन का डाल दिया, आदमी उस चक्कर में एक बार गया, उसको सारी चीजें मिल गई, वो वहीं टिक गया। अब बोलो सर ये बॉक्स तो बहुत महंगा होता होगा, एक एक आदमी को 1,000-2,000 रुपए का आइटम बांट रहे हैं, तो नहीं सर, इनका खर्चा 50-100 रुपए लग रहा है मैक्सिमम, क्योंकि उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कंपनी से स्पॉन्सर करा लेते हैं। पेम्पर को बोलते हैं डायपर तू डाल, डव को बोलते हैं क्रीम तू डाल, हिमालय को बोलते हैं फलानी चीज तू डाल, तो बाकी ब्रांड के आइटम भी डालते हैं ताकि तुम्हारा भी प्रचार होगा। हम तो बस इसकी किट्टी बना के दे रहे हैं जी, ताकि हमारे स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्टिंग 50-100 रुपए के बीच में आ रही है, और आप देख लो कि 10,000 हॉस्पिटल में कितने बच्चे डिलीवर होते हैं, कितने लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, उसमें से 10% लोग भी इनके पास आते हैं, तो हर साल इनके पास तो ग्राहक बढ़ने ही बढ़ने हैं भाई साहब। अब बात करते हैं इन्होंने अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया। हाँ, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, एक लाइन में अच्छा नहीं लग रहा ना, ये इंडिया की कमी है भाई साहब। इंडिया में 114 यूनिकॉर्न है, उसमें से 17 है जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन 17 में से एक है ये फर्स्ट क्राई, इसलिए उनकी केस स्टडी करने में मजा आ रहा है। अब मैंने कहा ये बंदा फ्रूगल है, कंजूस नहीं है, पैसे देख देख के खर्च करता है। ये कहता है मैंने सॉफ्ट बैंक से 400 मिलियन 2800 करोड़ उठा लिए, लेकिन खर्च अभी तक भी नहीं किए, वो भी देख देख के ही खर्च कर रहा हूँ। पिछले साल इनका 217 करोड़ का प्रॉफिट आया था, 1700 करोड़ का टर्नओवर किया था। इस साल इन्होंने अपना रेवेन्यू तो 1.5 गुना कर लिया है, 2400 करोड़ पे आ गए, लेकिन इस कारण क्योंकि एक्सपेंशन तेजी से हुआ वापस लॉस में आ गए। इस समय जो वीडियो बन रहा है वो 80 करोड़ के लॉस में है, पर जिस तरह से इनका लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी और जिस तरह के इनके विजन है और ये जो गिफ्ट बॉक्स वाली स्ट्रेटजी है, ये बंदा बाहर आ जाएगा, गारंटी है। अब इन्होंने कभी पैसे कैसे कमाए, तो अभी जब तक ये एग्रीगेटर मॉडल है, जैसे फर्स्ट क्राई के अंदर आप जा रहे हो और वहां पे आप लेके आ रहे हो मान लो मॉइस्चराइजर लेके आ रहे हो, वो तो हिमालय का है, तो हिमालय ने तो मार्जिन बहुत कम दे रहा है, मोटा मार्जिन तो हिमालय कमा रहा है, इनको तो थोड़ा सा ही मिल रहा है, डव मिल रहा है। या पेम्पर का अगर डायपर उठा के ला रहे हो तो पेम्पर वाले का है वो, तो भैया इनको तो मार्जिन कम ही मिल रहा है, तो इनको मार्जिन कब मिलेगा, जब एक खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने लॉन्च किया खुद का प्राइवेट लेबल बेबी हग नाम से। जब खुद का प्रोडक्ट है तो बाकी कंपेरेटिवली प्रोडक्ट के कंपेरिजन में 50-60% ज्यादा मार्जिन उसमें होता है। फिर जो इनके शू है उसके लिए इन्होंने क्यूट वॉक नाम से खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया। फर्स्ट क्राई लॉन्च होता है, कुछ कुछ जगह तो डायरेक्ट बेबी हग भी लॉन्च हो रहा है, जहां पे 100% प्रोडक्ट इन्हीं के बने हुए हैं, तो वो वाली जो स्ट्रेटजी है वो इनको मार्जिन लाके देगी और जो फर्स्ट क्राई है वो कस्टमर लाके देगी। तो ये था लेसन नंबर 7, और इसमें था कि रिटेलिंग में अगर आप जिंदा रहना है और मोटे पैसे कमाने हैं, प्राइवेट लेबल इज अ मस्ट। टाटा ने अपने प्राइवेट लेबल लॉन्च किए, जैसे जूडियो है, उसमें वो किसी और के कपड़े नहीं बेचता, खुद के कपड़े बेचता है प्राइवेट लेबल में। ऐसा ही रिलायंस में चले जाओ, वहां पे खुद के ज्यादा प्रोडक्ट है, बाकी के प्रोडक्ट कम बेचता है, कुछ प्रोडक्ट रख रखे हैं ताकि लोग आए, लेकिन मेन फोकस है खुद के प्रोडक्ट बेचने पे। तो ये तो थी शुभम माहेश्वरी की फर्स्ट क्राई की केस स्टडी, जिसमें अपन ने सीखा कि भैया बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढे, हमने ये देखा कि भैया बिजनेस आइडिया की रिसर्च कैसे करें, हमने ये देखा कि यार मार्केटिंग के क्या टूल काम में ले सकते हैं, हमने ये देखा कि चीजें एक्सपेंशन कैसे होती है और मार्जिन कैसे बढ़ता है। अगर आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला तो भैया इस केस स्टडी को जबरदस्त शेयर करना है मेरे को, जितने इस वीडियो पे लाइक हैं उससे डबल शेयर चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और रही बात सब्सक्राइब की, वो अभी तक तो कर लिया होगा, अभी तक भी नहीं किया तो कर लो भाई साहब, नुकसान तुम्हारा ही है। और ये फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हो तो वहां फॉलो कर लो यार।